हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेता जम्मी रेसिपीज़। आज हम बनाएंगे पंजाबी स्टाइल से सॉफ्ट सॉफ्ट पकोड़े वाली पकोड़ा कढ़ी, जो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ मैंने 200 ग्राम दही लिया है। अगर एक दिन पुराना दही है तो ज़्यादा अच्छा है, ये कढ़ी थोड़ी सी खट्टी होती है। तो दही को हमें थोड़ा सा स्मूथ कर लेना है। तो अभी ये दही स्मूथ हो चुका है, तो अभी मैं यहाँ पे बेसन ऐड कर रही हूँ। करीब 4 से 5 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे बेसन ऐड किया है। और बेसन और दही को भी अच्छे से हमें स्मूथ कर लेना है, लम्ब्स नहीं रहने चाहिए। तो अभी बेसन और दही का मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। तो यहाँ हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, स्वाद अनुसार नमक ऐड किया है मैंने। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हमें पानी ऐड करना है। पानी हम इसमें खूब सारा ऐड करेंगे, थोड़ा पतला ही बैटर रखेंगे, क्योंकि इस कढ़ी को हमें बहुत ज़्यादा देर तक कुक करना है। हम इसे जितना ज़्यादा कढ़ाएंगे, इतनी ये कढ़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो हमने अभी यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है। तो ये हमारा रेडी हो चुका है कढ़ी का मिक्सचर। तो अभी हम पकौड़े की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बेसन लिया है करीब 1 कप, और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। और हमें लम्ब फ्री बैटर बनाना है, जैसे हमारी कंसिस्टेंसी पकोड़ों की होती है वैसे ही रखना है। और इसे बहुत अच्छे से विस्क करना है, ये एकदम फ्लफी हो जाना चाहिए। अभी हम यहाँ कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून अखा धनिया लिया है जिसे मैंने रोस्ट करके मोटा मोटा पीस लिया है, और स्वाद अनुसार सॉल्ट ऐड किया है। धनिया आप ज़रूर से ऐड करें, पंजाबी कढ़ी का मेन इंग्रेडिएंट्स यही होता है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1 पिंच हींग ऐड की है, और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड किया है, और 1 टीस्पून अजवाइन को मैं हाथों से क्रश करके ऐड कर रही हूँ। और इसे हमें अच्छे से विस्क करना है। आप जितना अच्छा विस्क करेंगे, उतने ही हमारे सॉफ्ट पकौड़े होंगे। तो अभी ये भी हमारा रेडी हो चुका है, इसे हम थोड़ा सा रेस्ट करने देंगे। तब तक हम कढ़ी को तड़का लगाएंगे। तो यहाँ एक बड़े बर्तन में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है, और उसमें 1 टीस्पून राई, जीरा और 1/2 टीस्पून मेथी दाना ऐड किया है। ये हल्का सा क्रैकल होने लगा है, तो मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून अखा धनिया जो मैंने कोर्सली ग्राइंड किया था वो लिया है, और 2-3 लौंग, 1 तमालपत्र, 2 सूखी लाल मिर्चें, और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, और 2 हरी मिर्चें स्प्लिट करके ली है। तो इन सभी चीज़ों को हम हल्का सा भून लेंगे। इसमें अखा धनिया ज़रूर से ऐड करें। 1/2 टीस्पून मैंने हींग ऐड किया है, 1 टीस्पून मैंने लहसुन की पेस्ट ली है, और 1 टीस्पून मैंने अदरक की पेस्ट ली है। इनको भी हमें अच्छे से सौते कर लेना है। और कुछ कड़ी पत्ते ऐड कर रही हूँ। तो हल्का सा इसे कच्चापन दूर होने के बाद हमने जो कढ़ी का बैटर बना के रखा था उसे हमें ऐड करना है। तो अभी ये कढ़ी का मिक्सचर हमने ऐड कर लिया है, और इसे हमें चलाते हुए कुक करना है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। जब तक इसमें 1-2 बॉईल ना आए, हमें इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है, नहीं तो कभी कभी कढ़ी फट सकती है। तो अभी आप देखिए, इसमें बढ़िया सा कलर आ गया है, और ये अच्छे से बॉईल होने लगी है। तो कम से कम 20 मिनट हमें इसे बॉईल करना है। और आप नमक चेक कर लीजिए, हमने पहले ऐड किया था, अगर आपको कम लगे तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर रही हूँ, और इसे मैं अभी दूसरे गैस पर शिफ्ट कर रही हूँ। तो हमें स्लो फ्लेम पे ही इसे और कुक होने देना है, तब तक हम हमारे पकौड़े भी रेडी कर लेंगे। जब आपके घर में सब्जी ना हो और कुछ समझ ना आए क्या बनाना है, तब आप ये पकौड़े वाली कढ़ी बना सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया लगती है। तो अभी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, तो हम पहले पकौड़े रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म करने रखा था, और मैं इसमें मीडियम साइज़ के पकौड़े ऐड कर रही हूँ, ये कढ़ी में जाके इसका साइज़ और बड़ा हो जाएगा। तो पकौड़े हमें मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। तो अगर आप चाहें तो ये पकौड़ों में प्याज भी ऐड कर सकते हो, बहुत लोग इसमें प्याज भी ऐड करते हैं, पर मैंने यहाँ पे अभी प्लेन ही रखे हैं, मुझे ऐसे ही पसंद है। तो अभी आप देखिए, ये मस्त गोल्डन ब्राउन कलर के पकौड़े रेडी हो चुके हैं। तो अभी हम इसे ऑयल में से बाहर कर लेंगे। तो ऐसे ही हमें सारे पकौड़े रेडी कर लेना है। तो
पकोड़े आप देखिए कितने बढ़िया दिख रहे हैं, और ये अंदर से एकदम सॉफ्ट है और एकदम स्पॉन्जी भी है। तो अभी ये कढ़ी में ऐड करेंगे हम इसे, और कढ़ी में ऐड करने के बाद हमें 2 मिनट में ही गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी भी अच्छी हो चुकी है और इसकी क्वांटिटी भी थोड़ी सी कम हो चुकी है, अच्छे से बॉईल हो चुकी है ये। तो अभी मैंने इसमें पकोड़े ऐड किए हैं और इसे हमें अच्छे से चला के गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। तो अभी हम इसमें एक बढ़िया सा तड़का देंगे। तो तड़के में मैंने यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून घी लिया है, और वो तो गर्म होने के बाद मैंने मिर्ची पाउडर ऐड किया है और थोड़ा सा सूखा लाल मिर्ची, और इसको हम तड़का देंगे कढ़ी में। इससे बहुत बढ़िया सा टेस्ट आता है। आप चाहे तो पहले भी कढ़ी में ऑयल की जगह घी का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट में थोड़ा सा हरा धनिया। तो आपकी बढ़िया सी पंजाबी स्टाइल पकौड़ा कढ़ी रेडी हो चुकी है। इसे आप गर्म गर्म स्टीम राइस या जीरा राइस के साथ एंजॉय करिए। ये कम्फर्ट फूड है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर से करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। तो बढ़िया सी गर्मा गर्म कढ़ी पकौड़ों को एंजॉय करें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। बाय।